फाइनली अभी उठे हैं, ब्रश करने में लगे हुए हैं, 5 मिनट का रेस्ट लिया है। पहले मेरा मन है कि तन्मय नहा ले, क्योंकि अगर तन्मय ने नहा लिया ना तो सोचो हमारा, हम जीत गए, हमारा काम हो गया 100%। क्योंकि अभी ना वो आफ्टर ब्रश करने के बाद अभी वो खेल रहा है सिंक में, अब वो सिंक में से एक एक चीज कुछ भी देख नहीं रही हूँ मैं, सीजर लेकर ना ब्रश कर लिया है। ओके ओके, चलो कुछ नहीं, नहीं बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा और मेरी हेल्प करता है, और यहाँ बैठ गया जबकि मैंने इससे कहा तो पहले नहा ले, तेरे बाद मैं नहाऊंगी। गाइस आराम से नहाते हैं, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मौज से नहाओ, मौज करके। पता है कभी कभी ना, आपने वो देखी है चैन देखी है ना, चैन में ऐसे ऐसे करके ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। पर मैं नहा ले प्लीज बेटा, प्लीज नहा ले प्लीज, मैं रो पड़ूंगी। मैं नहाने के बाद मिलूंगा। हाँ हाँ, बाय, गो गो फास्ट, बहुत बुरी है ये। जल्दी जल्दी प्लीज। तो वो चैन जो होती है ना, ब्लॉक्स एक दूसरे के संग उसमें ऐड होते हैं। ओके, और अगर एक भी ब्लॉक लूज पड़ गया या एक भी ब्लॉक मिसिंग है तो पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो चैन का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। और वही हो जाता है हम लोगों के साथ, अगर हम जैसे रात को लेट उठे, सॉरी रात को लेट सोए, सुबह लेट उठे, तो हमारा सारा काम जो होता है ना गड़बड़ हो जाता है। और अभी सुबह उठते ही गड़बड़ गड़बड़ हो गई है, फिर भी बहुत सारा हो गया है, कपड़े वगैरह भी हो गए हैं, खाना भी लगभग तैयार मैंने कर ही दिया है, आलू जी वो सारा काम राधे को करना पड़ता है। राधे बहुत ज़्यादा काम करता है, पता हो तो आप लोगों को, इतना काम करता है ना राधे, किसी ने सोची भी ना होगी। सॉरी, ये थारा भाई जोगिंदर का बहुत बड़ा फैन है, ये तो अब इसकी हैबिट थोड़ी सी छूट गई है, नहीं तो पहले तो अगर हम इससे कुछ भी काम कहते थे ना, कुछ भी काम, तो ये बवंडर ले आता था, बवंडर आएगा बवंडर। तो ना कभी कभी पता क्या सपोर्ट लगता है, पर मैं प्लीज नहा ले, वो ना दरवाजा खोल के मुझे देख रहा है वहां से, प्लीज धन में, मैं तो चप्पल सूट के मारनी है। हाँ तो भगवान, मैं बाद में ही बात करूंगी, अब उसको दरवाजा लग गया, वो इतना इरिटेट कर देता है ना मुझे मॉर्निंग में, ये नहीं कि जल्दी रेडी हो जाए, मुझे हाउस ड्यूटी में जाना है 6:25। फाइनली अब निकली हूँ स्कूल के लिए और 6:50 हो गए हैं, और 7 बजे का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे का हाउस ड्यूटी में, बस पहुँच जाऊँगी मैं अभी। और मैंने अपना नया वाला बैग लिया, फिर इसमें स्कूटर को मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने कल पाउच खरीदा था, वो मैंने आज अपने साथ बैग ले लिया है। ठीक है, बाकी आज इतना ही, बाकी स्कूल से आने के बाद। ओके बाय। ये देखो वेदर इतना अच्छा था तो मैंने सोचा चलो छत पे चलती हूँ, और ये देखना बंदरों ने, ओ माई गॉड, मेरे सारे पौधे तोड़ दिए। यहाँ बच्चों तुम लोग थे नहीं घर में क्या, कर रहा है पौधों को ठीक, मुझे बहुत ही दुख लग रहा है, इतने अच्छे मेरे पौधे थे, फूल भी आ रहे थे और बेल भी। यार पता नहीं ना, हमारे यहाँ ना सब बंदर बहुत आते हैं, बहुत आते हैं बंदर, मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। कितना बड़ा पेड़ है देखिए, ये हमने अंश के बर्थ से पहले का लगा रखा है पेड़। कई लोगों ने हमसे कहा कि इतना बड़ा पेड़ है छत पर, कटवा दो, गिर जाएगा छत पर कभी, ना फल देता है ना फूल देता है, पता नहीं क्यों इतना बड़ा पेड़ दरवाजे पे लगवा रखा है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, ये ना फल देता है ना फूल देता है, लेकिन ये छाया तो देता है। और जब वेदर बहुत हॉट होता है ना, तो आप इस पेड़ के नीचे, मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी सारी गायें आकर बैठती हैं, इतने सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं, ठेले वाले, सब्जी वाले, सब। देखिए हमारे यहाँ कितनी अच्छी प्यारी ग्रीनरी है, देखिए
देखिए, और ये पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। अंश अंश वहाँ पर क्या है बेटा? अंश पतंगे है क्या वहाँ पर? लुटेरा तो फिर पतंग का लुटेरा तो हमारा ये है जिसे हम तन्मय शर्मा कहते हैं। फेमस है ये हमारे यहाँ पर। ये वहाँ क्या कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा है ये बारिश देख रहा है कि बारिश अभी कितनी दूर है, अभी बारिश कितनी दूर है, कहाँ से आ रही है, कौन सी दिशा से आ रही है बारिश। फिर देखो देखो वहां तक जाता है ये पेड़। अभी ये इतना ऊपर है, छत के ऊपर है ना, इतना ये छत से नीचे है। बारिश का वैसे दूर दूर तो कोई आसार नहीं है। मैं अच्छी खासी मैं लेटी हुई थी, और जो ये लड़का दिख रहा है आपको पीछे, ये लड़का ये मुझे बिस्तर से खींच के लाया और तुम्हें मौसम के नज़ारे दिलाए। अब इससे पूछो नज़ारे हैं कहाँ? मेले तो नज़ारे वो हैं जो बारिश हो तब तो मैं रात को 2 बजे भी उठ सकती हूँ। बस हाँ हवा चल रही है थोड़ी बहुत। हेलो श्री, रोन रीन रीन गोविन मत कहो, अभी तो आने दो रेन को पहले। बोलो रेन रेन प्लीज कम, आजा। यस जोर से कहो, जोर से। बहुत चलो, वेदर भी अच्छा हो रहा है, बारिश हो या ना हो लेकिन लग तो रहा है जैसे बारिश होगी। तो राधे चल कोई सॉन्ग गा बारिश का, या चल ऐसे को, तू तो छोटा है, चल कोई पोयम सुना, पोयम आज से बारिश। छोटी बच्चे थोड़ी ना हुआ है छोटा बच्चे करते हैं पोयम। अच्छा फिर सॉन्ग सुना दे बारिश का। बारिश का सॉन्ग, वो वाला कौन सा सॉन्ग था वो? ए खुदा तू बोल दे मेरे बादलों को, ए खुदा तू बोल दे मेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। सेकंड अंश, आपको देंगे ऑप्शन, कोई सॉन्ग बताइए अंश। अंश तो हमारा ना ऐसे सीरियस, बस पता नहीं क्या हो गया। सुनाना कोई सॉन्ग, कोई बारिश का सॉन्ग। मुझे लग रहा है वो यूट्यूब से सर्च करके मुझे बुला दे, नीचे लग रही है। चलो और राधे दूसरा सॉन्ग सुना, छम 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 कौन सा गाना है? बारिश आएगी तब मैं नाचूं आज, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, डिंग 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 डिंग। आत्मा चढ़ गई, आत्मा इसे राम का छम नाचे देखो वीर हनुमाना। मेरे अंदर से कीर्तन निकल आता है, मेरे अंदर से भक्ति भावना निकल आती है। बच्चे बता ही नहीं रहे हैं कुछ, बताओ। और अगर अभी इनकी से कोई इनके गेमर वेमर के बारे में बातें करो ना तो इतनी बात करेंगे, लेकिन अभी मेरे लिए इनके पास गाने नहीं है अभी। थैंक गॉड वीडियो का बटन एक सेकंड बाद दबा, नहीं तो पता। वेट भीड़ू भीड़ू वेट, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो। तू बिल्कुल देवदास बन के सीरियस रह, फोन में लगे रहेगा ये भी देखो। तो ना अगर एक सेकंड पहले बटन मेरी वीडियो का दब जाता पट्टी खुल जाती, पता नहीं क्या जो मेरी पंजाबी बाहर आ रही थी ना वो निकलने वाली थी, वो 1% एकदम मेरा अंगूठा रुक गया वीडियो का बटन दबाने में। नहीं तो आज तो भाई व्लॉग का एंड यहीं पर करके भागना पड़ता मेरे को। 100% जो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं ना, आप तक पहुंच जाते, बस मजा आ जाता है। बस इतना समझ रहा है गाइस। नहीं 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 गलत है, ये देखो वो कौन सा वाला गाना है, करेंगे तरक्की पुत हेट मिलूगी, देख लो। अभी 2 दिन हुए मुझे ब्लॉग बनाते हुए मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इनके मुंह से ऐसी बातें। बहुत शरीफ है ये, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हैं। ओ पैर सूट लो। ओके
प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो। पता है कमेंट्स पढ़ने में ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मेरे जो जानकार है ना, वो मेरे को व्हाट्सएप पर पर्सनल कमेंट्स भेज रहे हैं वीडियो के रिगार्डिंग, तो मैं उनसे कहूंगी प्लीज व्हाट्सएप पर भी भेज दो, कोई बात नहीं, लेकिन इस पे भेजो, इस पर दुनिया तो इस पे देखेगी ना। ठीक है गाइस, जो भी देखो ना प्लीज लाइक कर दो, प्लीज सपोर्ट करो अपना, सब लाइक सब्सक्राइब प्लीज करो, है ना। फिर धीरे 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 हमारे अंश की कला निकलेगी, तन्मय की आर्ट निकलेगी, बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए, लेकिन हम सोच रहे हैं वन बाय वन आप लोगों के संग शेयर करें। ये थोड़ी एक व्लॉग में कर दे, फिर वो व्लॉग लंबा हो जाता है, तो ये भी मुझे कईयों ने कहा कि वाला व्लॉग बहुत लंबा हो गया, अब नहीं होगा। हाँ अब नहीं होगा, हम लोग टाइम का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी ना नया नया शौक चढ़ा हुआ है ना, तो शौक शौक में ये वीडियो वो वीडियो, ये व्लॉग वो व्लॉग, सब चीजें दिखा दो, लेकिन हम थोड़ा सा सबर करूंगी और आराम आराम वो तो एडिटिंग करते हुए पता चलता है कि किन्होंने कितनी ज्यादा वीडियोस बना दी हैं, कितना लंबा चला गया। एडिटिंग डिपार्टमेंट खामखा ऐसे ही बोलता रहता है, आप एडिटिंग की तरफ ध्यान ना दें, आप क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। जो आपके सामने बैठी है सेफ्टी पिन कंचन शर्मा, आइए पीछे बैठे, ये आइडिया देने वाले हैं, ये आइडियाज देते रहते हैं, आइडिया इनके भी कुछ काम के नहीं होते। बता ही दे तू अंश इसको, आज तक में बता दू बता दू। चलिए ओके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स, ओके मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय, कल मिलेंगे अब, कल।